अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिज़िक्स 10th में टॉपिक करने लगे हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सो इंटेंसिटी होती क्या है? हम देखते हैं कि साउंड एनर्जी किसी एरिया में से जो उसके परपेंडिकुलर मौजूद है एक सेकंड में कितनी पास होती है, ये इंटेंसिटी है। यानी डेफिनेशन देखें, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। मेरी आवाज़ जा रही है फ्रंट में, ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब अगर मैं कुछ पर्टिकुलर एरिया सामने प्लेस कर देता हूँ तो उसमें से ये प्रोपोगेशन जो है वेव्स की पास करेंगी। तो पर्टिकुलर एक सेकेंड में अगर ज़्यादा वो वेव वहाँ से पास करके जाएंगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर कम वेव पास करके जाएंगी तो इंटेंसिटी कम होगी। पहले तो हमने डेफिनेशन सीख ली, फिर हम देखते हैं इसका फार्मूला। आई बराबर होता है ई ओवर टी इंटू ए। ई का मतलब आपको पता है, ई को जूल में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं, ए को एरिया को मीटर स्क्वेयर में करते हैं। जूल पर सेकंड वाट बन जाएगा और ये मीटर स्क्वेयर यानी कि इंटेंसिटी का यूनिट हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वेयर। और एक बात हमने सीखी थी कि इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिज़िकल कंडीशन ऑफ द एयर पिछले लेक्चर के अंदर। फर्दर हम इस टॉपिक में देखेंगे इंटेंसिटी के बारे में रिलेशनशिप बिटवीन द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। तो लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या रिलेशनशिप है आपस में होता है, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता। जैसे लाउडनेस के हमने आपको तीन फैक्टर बताए थे, उसके अलावा इंटेंसिटी पर भी इसकी डिपेंडेंस है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर वो क्या है। लाउडनेस एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई, और प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं, इक्वालिटी का साइन आ जाएगा एल इक्वल के लॉग ऑफ आई। सो ये हमने देख लिया कि लाउडनेस डिपेंड करता है लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी के ऊपर। और हम एक स्टूडेंट से एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी सिर्फ सुन सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटेंसिटी सुन सकते हैं वो 1 वाट पर मीटर स्क्वेयर। इससे ज़्यादा इंटेंसिटी की आवाज़ हमारे कान बर्दाश्त नहीं कर सकते, एंड इट वुड बी पेनफुल। और मिनिमम जो आवाज़ जो हम सुन सकते हैं, मिनिमम इंटेंसिटी, वो है 1 × 10⁻²⁻² पर मीटर स्क्वेयर। -12 ये जहन में रखें कि इतनी लो फेंटेस्ट आवाज़ है जो हम सुन सकते हैं। तो बहरहाल आगे चलते हैं। अब हमने रिलेशनशिप के बाद एक और चीज़ देखनी है, इंटेंसिटी लेवल। तो इंटेंसिटी लेवल को हम दो इंटेंसिटीज़ को कंपेयर करके बताते हैं। कैसे? डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस एल ऑफ अननोन साउंड एंड द लाउडनेस एल नॉट ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड। यानी कि एल जो लाउडनेस है हमारे पास कितनी ज़्यादा है बाय कंपेयरिंग टू द फेंटेस्ट लाउडनेस एल नॉट, वो हमें प्रोवाइड करता है कि इंटेंसिटी लेवल उस साउंड का कितना है। डेफिनेशन हमने देख ली, फर्दर हम इसकी इक्वेशन की ड्राइवेशन देखते हैं। हमें पता है एल जो अननोन साउंड है उसके लिए के लॉग ऑफ आई आ जाएगा इक्वल टू, जब हम फेंटेस्ट लाउडनेस की बात करेंगे तो एल नॉट आ जाएगा के लॉग ऑफ आई नॉट। दोनों को हमने डिफरेंस लेना था, यानी कि इक्वेशन वन को इक्वेशन टू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एल माइनस एल नॉट इक्वल के लॉग ऑफ आई माइनस के लॉग ऑफ आई नॉट। सो एल माइनस एल नॉट इक्वल के कॉमन ले लिया, लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई नॉट। और आपको स्टूडेंट्स याद है कि हमारे पास आपने लॉग का लॉ किया था 9th क्लास में, कि डिफरेंस हो तो उसे हम ओवर की फॉर्म में लिखते हैं, ये हो जाएगा लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट। सो एल माइनस एल नॉट इक्वल के लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट, ये हमने इसका फार्मूला डिराइव कर लिया है और पीछे हमने इसकी डेफिनेशन देख ली थी। फिर हम इंटेंसिटी
लेवल के यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर इसके यूनिट का नाम बेल रखा गया। बेल को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ़ द इंटेंसिटी आई ऑफ द अननोन साउंड इज़ 10 टाइम्स ग्रेटर टू द इंटेंसिटी आई नॉट ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, इंटेंसिटी लेवल ऑफ सच ए साउंड इज टेकन एज यूनिट कॉल्ड बेल। सो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि अगर हमारे पास गिवन इंटेंसिटी जो है वो फेंटेस्ट इंटेंसिटी जो इंसान सुन सकता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर वो 1 बेल के बराबर हमारे पास कंसीडर की जाती है। और इसका एक छोटा यूनिट भी होता है जिसको हम डेसीबल बोलते हैं, यानी 1 बेल को अगर 10 पर डिवाइड कर दें तब हमारे पास जितनी इंटेंसिटी ऑब्टेन होती है इट इज़ नोन एज 1 डेसीबल। किताब से देखते हैं ज़रा अपने टॉपिक को। स्टूडेंट्स, हेयर वी आर पेज नंबर 24। इंटेंसिटी की हमने बात की सबसे पहले। द साउंड वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द साउंडिंग बॉडी टू द लिसनर। द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव एंड इज डिफाइंड एज, इंटेंसिटी की डेफिनेशन, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया held perpendicular to the direction of propagation of wave is called intensity of sound. Intensity is a physical quantity and can be measured accurately. Unit of the intensity of sound is watt per meter square. इसका unit हमने derive आपको पीछे already करा दिया हुआ है, watt per meter square होता है। फिर हम देखते हैं कि sound intensity level क्या होता है। हमने बात कर ली थी द ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटीज रेंजिंग फ्रॉम 10^-12 वॉट पर मीटर स्क्वायर टू 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर आवाज़ इंटेंसिटी से हमारे कानों में दर्द शुरू हो जाता है और यही हमारी रेंज है इंटेंसिटी सुनने की, 10^-12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक। Because the range is so wide, intensities are scaled by factors of 10. The barely audible and the faintest intensity of the sound is 10^-12 watt per meter square is taken as reference intensity called 0 bell after the name of the scientist Alexander Graham Bell. So, ye baat hum already seekh chuke hain, further dekhte hain. Loudness of a sound depends not only on the intensity of the sound but also on the physical condition of the air. दो बातें ही हमने पीछे भी देखी थी। हमने बताया था कि loudness depend करता है physical condition of air पर। यहाँ पर आपको एक और बात बता रहे हैं कि loudness intensity पर भी depend करता है। The human ear is more sensitive to some frequencies than to the others. The loudness L of sound is directly proportional to the logarithmic value of intensity. L is directly proportional to log of I. L equal K log of I. तो ये हमने relationship बता दिया loudness के दरमियान में और intensity के दरमियान में। दोनों की definitions हमें already पता हैं और इनका relationship भी हमें वो short question में पूछ सकता है। Where K is constant is called constant of proportionality. L not be the loudness of the faintest audible sound of intensity I not and L be the loudness of the unknown sound having intensity I. Then we have the equation L not हमने बता दिया है K log of I not के बराबर हो जाएगा। L हमने पहले बता दिया था unknown sound K log of I है और L not K log of I not obviously faintest audible sound के लिए। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा L माइनस L नॉट इक्वल K log of I over K log of I माइनस K log of I नॉट। और इसको ड्राइव करके मैंने आपको दिखा दिया था, हो जाएगा K log of I over I नॉट। द डिफरेंस L माइनस L नॉट बिटवीन द लाउडनेस L ऑफ अननोन साउंड एंड द लाउडनेस L नॉट ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड।
सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी इंटेंसिटी लेवल की यहाँ से लेके यहाँ तक, और साथ में आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं, और ड्राइव करने के लिए कहेगा तो इक्वेशन ड्राइव भी करेंगे। देयरफोर द इंटेंसिटी लेवल ऑफ एन अननोन साउंड इज गिवन बाय इंटेंसिटी लेवल इक्वल के लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट। के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है हमारे पास। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड नॉट ओनली ऑन द यूनिट्स ऑफ आई एंड आई नॉट बट ऑल्सो ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। अब बेल की डेफिनेशन है, मैंने ऑलरेडी आपको रजिस्टर पर भी दिखाई थी और यहाँ से भी हम स्टार्ट करने लगे हैं। इफ़ इंटेंसिटी आई ऑफ एनी अननोन साउंड इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन द इंटेंसिटी आई नॉट ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड सच दैट आई इक्वल 10 आई नॉट एंड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ सच ए साउंड इज टेकन एज ए यूनिट कॉल्ड बेल। यहाँ तक आप बेल तक कर लेंगे, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इफ से स्टार्ट किया, बेल पर एंड कर दिया। द वैल्यू ऑफ द के बिकम्स 1, देयरफोर वी हैव द इक्वेशन। के की जगह यहाँ आप देखें इंटेंसिटी लेवल मैंने कर दिया है 1 लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट। बेल इज़ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ ए साउंड, जनरली अ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड डेसिबल इज यूज्ड। डेसिबल इज एब्रीविएटेड एज डीबी। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट 1 बेल इज इक्वल टू 10 डीबी। तो ये हम कोई डेसिबल की डेफिनेशन कर लेते हैं या 10 डीबी तक कर लेते हैं, जनरली अ स्मॉलर, बल्कि यहीं से आप बेल से ही स्टार्ट कर दें, बेल से लेके डीबी तक। इफ द इंटेंसिटी लेवल इज मेजर्ड इन डेसिबल देन इट विल बिकम इंटेंसिटी लेवल 10 लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट। आपने पिछले फार्मूला में देखा था 1 लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट था बेल के लिए, और अब के की वैल्यू 10 हो गई है, 10 लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट हो गया। सो यूजिंग द इक्वेशन व्हेन वी कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ मेजरिंग द इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ द साउंड सच अ स्केल इज नोन एज अ डेसिबल स्केल। सो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था, हमने सीखा इंटेंसिटी होता क्या है, उसकी डेफिनेशन बताई, उसका यूनिट बताया वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है, फिर हमने बताया रेंज हमारे सुनने की कहाँ से कहाँ तक होती है इंटेंसिटी, फिर हमने बताया कि लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरम्यान में रिलेशनशिप क्या है, फिर हमने इंटेंसिटी लेवल को डिफ़ाइन किया और इंटेंसिटी लेवल की इक्वेशन ड्राइव की, फिर हमने बेल को डिफ़ाइन किया, फिर हमने डेसिबल को डिफ़ाइन किया। ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में मैंने बात की, लॉन्ग क्वेश्चन में वो हमें कह सकता है कि डिस्क्राइब द इंटेंसिटी लेवल, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये इसकी शॉर्ट पैसेजेस आपको दे सकता है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सो आपको दोनों फॉर्म में आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। खुदा हाफिज़।